हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओ यमी बाय मोनिका कुकिंग चैनल में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने मीठे शकरपारे की रेसिपी देखी थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम नमकीन शकरपारे की रेसिपी देखेंगे, जिसे त्योहारों में या चाय के साथ नाश्ते में बनाया जाता है। दोस्तों, रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्रिस्पी नमकीन शकरपारे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ टी स्पून अजवाइन को क्रश करके रखेंगे। क्रश करते वक्त अजवाइन की खुशबू भी आने लगेगी। अभी आगे की तैयारी करेंगे, जिसमें हमने 160 ग्राम मैदा लिया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, ताकि शक्करपारे का कलर थोड़ा सा डार्क आ जाए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जो हमने अजवाइन क्रश करके रखा है वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब स्वादानुसार नमक डाल दें, फिर 2 टीस्पून तेल, आप गुनगुना तेल भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिला लिया जाए। मैदे को भिगाने के लिए हमने 2/3 कप गुनगुना पानी लिया है, आधे कप में भी काम चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे भिगाएंगे। इसका डो बनाते वक्त हमें सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा कड़क रहे। ये देखिए, डो रेडी है। इसे 3-4 मिनट के लिए नीड करने के बाद, मसलने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रखना है। डो को 20 मिनट का रेस्ट मिल गया है, अब इसे हम थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक नीड कर लें, तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक तेल गरम हो जाता है, हम इस मैदे के आटे की 3 लोइयां बना लेंगे। बाकी लोइयां आप ढक के रख सकते हैं, और 1 लोई लेके हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे। आसानी से बेलने के लिए आप तेल या मैदा लगा सकते हैं। फिर कटर की मदद से आप डायमंड या स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं। अब इन टुकड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी लोइयां भी बेल लें और उसे डायमंड या स्क्वायर शेप में कट करके रखें। ये देखिए, तेल भी अभी गर्म हो चुका है। एक एक करके हम टुकड़ों को तेल में छोड़ देंगे। लो फ्लेम में ही इन्हें तलना है, ताकि ये अंदर तक पूरी तरह से पक जाए। इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक तेल में फ्राई करें। बाकी जो बचे हैं उन्हें भी हमें इसी तरह से तलना है। याद रहे, लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, ताकि ये अंदर तक पके और अंदर से कच्चे ना रहे। ये सारे हमने अच्छे से तल दिए हैं। अभी देखना है कि ये क्रिस्पी बने हैं या नहीं। तो देखा आपने, आवाज़ से ही पता चल गया है ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी ये कम वक्त में बनने वाले नमकीन पारे की रेसिपी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए।